जम्मू कश्मीर में स्थानीय पार्टियों ने साथ मिलकर गुपकार गठबंधन बनाया है और कांग्रेस भी उसके साथ जुड़ी है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, जो अभी भी है और भविष्य में रहेगा। अमित शाह ने इसे गैंग बताते हुए कहा कि जनता इस अपवित्र गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो देश के हितों के खिलाफ काम करने में लगे हुए हैं। अमित शाह ने ट्विटर पर 3 ट्वीट्स करके इस गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, या तो गुप्तार गैंग देश के मूड के हिसाब से चले या फिर जनता इसकी नैया डुबो देगी। उन्होंने कांग्रेस और गुप्तार गठबंधन पर आरोप लगाया कि वो जम्मू कश्मीर को उस काल में वापस ले जाना चाहते हैं जहां सिर्फ आतंक और उथल-पुथल का साम्राज्य बना हुआ था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को अधिकार दिए हैं, उन्हें ये वापस छीन लेना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि यही कारण है जिससे गुपकार गठबंधन और कांग्रेस को देश में हर जगह जनता द्वारा नकारा जा रहा है। उन्होंने लिखा कि अब गुपकार गैंग वैश्विक हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग चाहते हैं कि विदेश ताकतें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। उन्होंने गुपकार गैंग पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान का भी आरोप लगाया। शाह ने कांग्रेस की सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो इन चीजों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अब इस मामले में अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए। एक अन्य केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सोनिया और राहुल से पूछा था कि वो अनुच्छेद 370 पर फारूक अब्दुल्ला के साथ हैं या विरोध में। जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायती चुनाव में कांग्रेस द्वारा गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाने पर उन्होंने कहा कि ये लोग चीन से समर्थन मांग रहे हैं, क्या कांग्रेस इसके पक्ष में है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग ये चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 वापस हो जाए, वो यहाँ भ्रष्टाचार को जारी रखने देना चाहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पहले जम्मू कश्मीर की कोई मुस्लिम बेटी राज्य से बाहर शादी करती थी तो उसे संपत्ति के अधिकार से बाहर कर दिया जाता था, जिसे मोदी सरकार ने बदला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब फिर से जम्मू कश्मीर को सक्रिय मानसिकता की तरफ धकेलने का प्रयास हो रहा है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले के बारे में पूछा था कि यह निर्णय किसका है। साथ ही जवाब देते हुए कहा था कि यह पूरे देश का निर्णय है, क्योंकि भारत का कोई भी कानून लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन में विचार विमर्श के बाद ही बनता है। उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी और सोनिया जी से पूछता हूं कि इस गठबंधन की एक पार्टी चीन के साथ अनुच्छेद 370 को वापस ले आने की बात कहती है, वही महबूबा मुफ्ती तिरंगा नहीं उठाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 News.